स्वागत है आपका फिरोजाबाद से। एक बड़ी खबर है, दारोगा हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। फॉरेंसिक टीम ने सीन रिक्रिएट किया है और धीरज शर्मा पर हत्या का शक जताया है। कुछ ही देर में पुलिस की कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया जाएगा कि सीन जब रिक्रिएट किया गया क्या क्या खुलासे उस दौरान हुए, क्या क्या पता पुलिस लगा पाई है। धीरज शर्मा पर हत्या का शक यहाँ पर जताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर फिरोजाबाद से, दारोगा हत्याकांड से जुड़ी हुई। फॉरेंसिक टीम ने सीन को रिक्रिएट किया है। तो पुलिस थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और पूरे मामले को लेकर जानकारी दे सकती है। और अब खबर नोएडा से, जहां पर माफिया और गैंगस्टर पर कार्रवाई जारी है। गैंगस्टर यशवंत चौबे के खिलाफ बड़ा एक्शन करते हुए प्रशासन ने प्रॉपर्टी कुर्क कर दी है। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। गैंगस्टर यशवंत चौबे MBBS में एडमिशन के नाम पर छात्रों से ठगी किया करता था, ये बात भी सामने आई। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप ये मान रहे हैं ना कि ज्ञान व्यापी के बाद में अगर मस्जिद बनाई गई तो वो गलती? क्या उस समय पे हमारा संविधान था? हेमा मालिनी कह रही हैं कि मथुरा का भी ASI सर्वे होना चाहिए। हमारी प्यार मोहब्बत की तहजीबों को क्यों बर्बाद किया जा रहा है अपने वोट की खातिर? UCC लाने का जिक्र होता है तो आप कहते हैं कि देश के मुसलमानों को वो मंजूर नहीं। तो संविधान से चलेगा देश या फिर कुरान से? अब तक काय से चल रहा था? ट्रिपल तलाक भी चाहिए, हिजाब भी चाहिए और हलाला भी चाहिए। उसे हम फॉलो कर रहे हैं, किसी और को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। हिजाब में आपको क्या परेशानी? कहीं कोई फंसा ले, चक्कर में ना चला ले और फंसा ना। ज्यादा जो है इश्क मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ो। अंजू पाकिस्तान चली गई है और सीमा वहाँ से हिंदुस्तान आ गई। मैं ये भी समझता हूँ कि वो साइको गर्ल हो। नूह में जो हिंसा हुई है उस पर आपका क्या कहना है? देश की सियासत धर्मों का सहारा लेके अपनी मंजिलें तय करती है।